Hello student, my name is Vivek. You're welcome on 7U International School online platform. As you know that all school in Delhi closed right now. So it is hard, not too possible to give you lecture in school. So we decide to give you online classes for all your subjects, for all your classes. From this online platform, I teach you science topic from 7th class. So take a copy or pen with you and start making notes. And this year the book recommended to you is Galaxy, a course in science, publication hai Indianica Learning. And whenever the school is open, we provide you this book. And one thing I tell you, language jo hoga is lecture ka, wo both language mein hoga, Hindi or English, because it is a gap between you and me. It's hard to take doubts. Okay, so we decide, or I decide to give you lecture in both language, and then explain all the topics one by one and meaning of each and every words that will help you to understand this topic clearly. So take a copy or pen and start making notes. Let's begin. In class 7th साइंस में फर्स्ट टॉपिक है आपका, फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट. एज यू नो दैट न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, अपने आप को ग्रो करने के लिए, खुद को रिपेयर करने के लिए, खुद के बॉडी सेल्स को रिपेयर करने के लिए, आगे जनरेट करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है. जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो किस मोड में मिलते हैं, किन किन मटेरियल से हमको ऑप्टेन होते हैं, मोस्टली इन प्लांट का इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑप्टेन करते हैं नेचर से, इन्वायरमेंट से. वो कौन कौन से वे हैं जो इनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट. व्हाट इज न्यूट्रिएंट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, एंड दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन और हाइड्रोजन से जो बनता है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स, मिनरल्स माने आयरन, पोटेशियम, जो भी ये मिनरल्स होते हैं, हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है जो खाने से हमको मिलते हैं, खुद को रिपेयर करने के लिए, अपने डेली लाइफ को वर्क करने के लिए. ये सब चीज़ें हमें डेली लाइफ पे चाहिए होती हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल आर द कंपोनेंट ऑफ फूड. फूड में ये सब कंपोनेंट पाए जाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, इसे न्यूट्रिएंट कहते हैं. और प्लांट को भी इनकी ज़रूरत होती है, जैसे हमें ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में बेसिकली डेली टास्क करने के लिए, इस तरह प्लांट को भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं उनको, ये हम आगे वाले टॉपिक्स में देखेंगे. एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मींस यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनिज्म मींस ऑल लिविंग क्रिएचर लाइक ह्यूमन, प्लांट, सेल, एल्गी, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बढ़ते हैं, अपनी अपनी बॉडी को रीजनरेट करते हैं, रिपेयर करते हैं. इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. इनको फूड का रिक्वायरमेंट होता है. अगर फूड का रिक्वायरमेंट है तो इनको न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है. इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स का, अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए. ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट ओनली ऑर्गेनिज्म है. ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग और लिविंग क्रिएचर. प्लांट एक सिंगल ओनली क्रिएचर है अर्थ पे जो फूड को प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स से. जो अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ नेचर, नेचर में मिलने वाले पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स से, जो अपने वो रूट से सक करता है ऊपर की तरफ. ओके, एन एनिमल डिपेंड अपॉन अदर एनिमल और प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल. जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हम हो गए, कोई और लिविंग क्रिएचर हो गया, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए
अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है कि प्लांट किस मोड से, मतलब वो कौन सा तरीका है जो न्यूट्रिशन को नेचर से अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट मीन्स एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में, वो कौन से भी हैं, इस टॉपिक को हम इसमें ब्रीफली पढ़ेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी और लिविंग क्रिएचर पर डिपेंड नहीं करते। जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा है, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल। ये सारी चीज नॉन लिविंग है, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल, तो प्लांट इनसे अपनी न्यूट्रिशन की कमी पूरी करता है। और जो इन चीज़ों से अपने न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक, ट्रॉप्स मीन न्यूट्रिशमेंट, न्यूट्रिशन। ओके, देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। जो एनिमल होते हैं और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स अदर, दूसरे एनिमल भी हो सकते हैं, दूसरे सेल्स भी हो सकते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स। हेटरो माने अदर्स और ट्रॉप्स माने न्यूट्रिशमेंट। ओके, नाउ थर्ड टॉपिक कि प्लांट अपना जो फूड है प्रिपेयर करते हैं बाय देयर सेल्फ, बट वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू प्लांट अपने फूड को एनवायरनमेंट से कंटेन करते हैं और इस पूरे प्रोसेस के बाद अपने आप को ग्रो करते हैं, वो ऐसा कौन सा प्रोसेस है। थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। जो प्लांट है जिस प्रोसेस के थ्रू ये सब कुछ करता है, सारा मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लांट का फोटो है, उसकी लीफ है, लीफ में दिखा रहे कार्बन डाइऑक्साइड जो लीफ है अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं और ऑक्सीजन को बाहर की तरफ फेंकती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट मीन्स सनलाइट, और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ओके, और इस प्रोसेस को करने के लिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है। तो जो वाटर है वो कहाँ से आता है, वो रूट्स में से आता है। जो अंडर सरफेस होता है, जो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं पूरी बॉडी में, प्लांट को या ट्री हो उसमें सर्कुलेट करते हैं। और सिंपल सा एक प्रोसेस देख लेते हैं यहाँ पर, एक केमिकल रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें नेचर से मिलता है बाहर से, प्लस वाटर जो हमें रूट से मिलता है, प्लांट के रूट से जो अंडर द अर्थ होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा, वो क्या बनाते हैं अपने लिए, कार्बोहाइड्रेट जो एक न्यूट्रिएंट है जिससे प्लांट ग्रो करता है, अपने बॉडी पार्ट को रिपेयर करता है, और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। हमें पता है कि जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ये होते हैं क्लोरोफिल। ये प्लांट सेल है, सेक्शन ऑफ लीफ, लीफ में क्लोरोफिल है, और बेसिक स्ट्रक्चर देखें आप वो ये है क्लोरोफिल टाइप। क्लोरोफिल क्या होता है, जो सनलाइट होती है जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है सनलाइट, उसको एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोफिल करता है। और इसमें एक चीज़ होती है गार्ड सेल, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है, जो ये दोनों प्लांट में एंटर किसके थ्रू करती है, गार्ड सेल की वजह से। ये गार्ड सेल का स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू ही CO2 अंदर की तरफ जाएगी लीफ में और ऑक्सीजन बाहर की तरफ आएगी। गार्ड सेल जो होता है वो इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है और इसके अंदर वाले पार्ट को, ये बाहर, ये गार्ड सेल है ये, और इसके अंदर वाले पार्ट को हम स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। अब इस प्रोसेस को पूरा पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स और लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज, माने चेंज करना, टू कार्बोहाइड्रेट
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। ओके, ये पूरा प्रोसेस हमने यहाँ देख लिया। CO2 इनहेल करेगा, वाटर स्टेम से लेता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, इन सब प्रोसेस को कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है प्लांट एंड देन ऑक्सीजन रिलीज करता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिन प्लांट के अंदर स्टार्च होगा या क्लोरोफिल होगा वो इंडिकेट करता है कि वो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है और उसके थ्रू ही अपनी न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है नेचर से। ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है किसी प्लांट के अंदर अगर उसको फोटोसिंथेसिस करना है तो, क्योंकि फोटो क्लोरोफिल बाहर की सनलाइट को और CO2 को होल्ड करके रखता है जब तक तो वो कन्वर्ट ना हो जाए ऑक्सीजन में और कार्बोहाइड्रेट में। ये है क्लोरोफिल का काम। और स्टोमेटा ऐसा फंक्शन ऐसा गेट, सिर्फ एक गेट की तरह काम करता है कि CO2 बाहर निकले और O2, CO2 अंदर की तरफ जाए और O2 बाहर की तरफ रिलीज हो जाए। ओके, आपने देख लिया। और स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है स्टार्च जो प्लांट्स में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो लीव्स हैं देखिए, ये सारा प्रोसेस हुआ, CO2 अंदर गया, वाटर स्टेम से लिया, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब कर लिया, क्रिएट करा और अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया, CO ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। ये सारा प्रोसेस कहाँ हुआ? बहुत सारे पार्ट होते हैं एक प्लांट के अंदर। एक फ्लावर भी होता है, एक स्टेम भी होता है, रूट भी होता है, लीव भी होता है, लेकिन ये फंक्शन जो फूड बनाने का फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ लीव में ही होता है। और प्लांट के या किसी भी ट्री के किसी और बॉडी पार्ट में नहीं होता, सिर्फ लीव में ही ये फंक्शन अकर होगा और कहीं नहीं होगा। सो हमें ये तो चल गया पता, वाटर की ज़रूरत होती है इस फंक्शन के लिए, प्लांट नीड वाटर टू परफॉर्म दिस फंक्शन। बट हाउ अ प्लांट गेट दिस, कैसे रूट से ये सारा प्लांट, ये सारे मिनरल और वाटर अर्थ से होते हुए प्लांट की बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, वो कौन सा मीडियम है, वो कौन सा सेल है जो इन कामों को करता है, उसको हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन दिस सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू लीव थ्रू जाइलम। जो वाटर और मिनरल है, आपको पता है प्लांट को वाटर और मिनरल कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से मिलते हैं, सरफेस से मिलते हैं। और वो सरफेस से मिलने के बाद जो रूट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन सर्कुलेट करते हैं पूरी बॉडी में। और किसके थ्रू करते हैं? जाइलम का, जाइलम के थ्रू। जाइलम का नेटवर्क होता है, मान लीजिए खाली ट्यूब की तरह, बहुत नैरो ट्यूब होती हैं और पूरी बॉडी में ये प्लांट की एक नेटवर्क बना होता है, उसके थ्रू ये जाइलम वाटर और मिनरल को सरफेस से लेकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। नाउ CO2 एक्सचेंज इन द प्लांट थ्रू गार्ड सेल टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव। मैंने पहले ही बताया था जो CO2 है, O2 है, वो एक्सचेंज कहाँ से होती है? वो टाइनी पोर से होती है, तो जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। और पूरे उसको क्या कहते हैं, जो स्टोमेटा को कवर करता है उसे कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय वेसल। जो वेसल है वो ये जाइलम है। ठीक है, इसको मैंने पहले ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, ये जाइलम है। जाइलम की वेसल्स होती हैं जो पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं, कनेक्ट होती हैं ईच पार्ट ऑफ प्लांट से, ताकि उसमें मिनरल्स पहुंच सकें, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड इट हेल्प्स टू लीव द कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो लीव है उसमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ऊपर वाली एफ में देखा, इसको मैंने क्लोरोफिल कहा था। ये जो ग्रीन पिगमेंट है जो CO2 को सनलाइट को कैप्चर करते हैं, ये ग्रीन पिगमेंट को ही क्लोरोफिल कहा जाता है। एंड इट विल हेल्प टू लीव द कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये मदद करते हैं उन पत्तियों की टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो एनर्जी हमको सन से मिलती है उसे कैप्चर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं ये ग्रीन पिगमेंट, दिस पॉइंट क्लोरोफिल जिसे कहा जाता है।
एंड दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर करने मदद करती है फूड को एंड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस किन प्लांट में होता है? जिनमें क्लोरोफिल होता है और स्टार्च होता है। अगर किसी प्लांट में स्टार्च और क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो प्लांट दोस प्लांट डजेंट क्रिएट देयर फूड बाय देयर सेल्फ, वो किसी और पे डिपेंड करेंगे, वो खुद अपना फूड क्रिएट नहीं करेंगे। दैट्स अ पॉइंट। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ। बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ का अर्थ पे एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज हर लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल बोलें तो डिपेंड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ईट प्लांट्स और देयर प्रोडक्ट, फ्रूट खाते हैं, उनका अलग अलग पार्ट्स खाते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो प्लांट खाते हैं, एंड देन वी ईट दोज एनिमल्स। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी डिपेंड अपॉन प्लांट्स, और प्लांट्स कंप्लीटली डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस पे। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए हमको? CO2 और सनलाइट। प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। देखिए, एज यू नो दैट अर्थ पर 72% नाइट्रोजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो 2-3% से भी कम है, लेकिन फिर भी जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू लीव्स अपना न्यूट्रिशन गेट करने के लिए। ओके, उस न्यूट्रिशन गेट करने के लिए CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन को नहीं करते, लेकिन नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखें। फोर्थ टॉपिक, हाउ एनिमल प्रिपेयर देयर फूड। अब हमने फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे कवर कर लिया अच्छे से, ऑटोट्रॉपिक वाले पार्ट को। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। जो खुद खाना बनाते हैं, दोस ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर सेल्फ कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। अब सेकेंड पॉइंट को इसमें पढ़ेंगे कि एनिमल किस तरह दूसरे एनिमल्स पे, प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। इन दिस टॉपिक, एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ बिकॉज एनिमल डू नॉट हैव एबिलिटी टू जनरेट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि आपको पता है किसी भी एनिमल में क्लोरोफिल नहीं होता, स्टार्च नहीं होता। इफ ये दो कंडीशन नहीं है तो नो वन क्रिएट फोटोसिंथेसिस बाय देमसेल्फ। सो हमें दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इवन दैट सम ऑफ द प्लांट ऑल्सो डिपेंड अपॉन अदर प्लांट। अमरबेल सुना होगा आपने, अमरबेल क्लस्टर से कसकटा कहते हैं, दिस वन कसकटा, जो डिपेंड करता है दूसरे प्लांट पर, क्योंकि इनके पास खुद अपना क्लोरोफिल और स्टार्च नहीं होता एनर्जी को फोटोसिंथेसिस से एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो दूसरे प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं। लिख रखा है साफ साफ, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। कैस्केटा इज ऑल्सो कॉल्ड पैरासाइट। और दोस्त प्लांट दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। एंड दोस प्लांट ईट इंसेक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ प्लांट तो दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं, और कुछ प्लांट कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, इंसेक्ट भी खाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट। कार्निवोरस होता है, हर्बीवोरस होता है, ओमनीवोरस होता है। ये प्लांट के लिए है, जो प्लांट इंसेक्ट को इनहेल करती हैं, कंज्यूम करती हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ओके, तो एनिमल खुद नहीं बनाते अपना खाना, दे डजंट प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर सेल्फ बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल और स्टार्च। ओके, सो दे डिपेंड अपॉन अदर एनिमल और प्लांट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट इज कॉल्ड सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, देखिए यहाँ पे लिखा है डेड और डिके। आपने देखा होगा ब्रेड जो होता है उसे अगर काफी टाइम तक छोड़ दिया जाए तो उस पर ग्रीन कलर की काई जम जाती है, जिसे फंजाई बोलते हैं। अब ब्रेड तो डेड है, वो डेड पीस के ऊपर अपने आप को ग्रो करता है, उसके सारे जो ब्रेड में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो भी होता है उसको इनहेल करता है और खुद को ग्रो करता है।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर को जिंदा रहकर अपने आप को ग्रो करते हैं उसे सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट कहते हैं। आपने देखा होगा कि कोई जानवर मर जाता है तो उसमें बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, उनको भी यही बोलेंगे। उनका भी सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अपने आप को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए। वो डेड और डिकिंग मैटर पे टोटली डिपेंड करते हैं। ओके, फंजाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर क्लोथ और अदर आर्टिकल्स इन मॉइस्चर। थोड़ी नमी होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो ये अच्छे से ग्रो करते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ टॉपिक, हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन दिस सॉइल। रिप्लेनिश मतलब सॉइल में कैसे सारे न्यूट्रिएंट जाते हैं। आपको पता है प्लांट अपनी ज़्यादा मोस्टली जो वाटर की सप्लाई है, न्यूट्रिएंट है, मटेरियल है, वो सरफेस से लेता है। ओके, यहाँ पे ऊपर देखा होगा आपने वाटर, ये रूट्स के थ्रू जाता है, सरफेस में पाया जाता है। CO2 नेचर से मिलता है। अगर वाटर ना हो तो ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, हमको O2 नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हमारा जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाटर है, और जो मिनरल्स हैं जो प्लांट कंज्यूम करता है वो कहाँ से आते हैं, वो कैसे ज़मीन को मिलते हैं, क्या प्रोसेस है, उसको हम फिफ्थ टॉपिक में पढ़ेंगे। हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश इन दिस सॉइल। द प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम दिस सॉइल, सो देयर अमाउंट इन दिस सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। आपको पता है जब भी हम खेती करते हैं, कुछ भी उगाते हैं, तो जो भी खेती होती है, जो भी प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, उससे क्या होता है, वो ज़मीन की मोस्टली जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो सॉइल की जो मिनरल पावर होती है वो कम हो जाती है जब भी हम ग्रो करते हैं। तब भी आपने देखा होगा जो किसान लोग होते हैं वो एक खेती के बाद दूसरी बार जो खेती करते हैं उसमें फसल को चेंज कर देते हैं, ताकि जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहे। ओके, यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड देयर एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो क्रॉप होता है, देखिए, यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, जमीन में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो एटमोसफेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। ये एक मेजर पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना है। जो प्लांट है जो जमीन में जो नाइट्रोजन पाई जाती है सॉइल में, उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, और जिस जमीन में नाइट्रोजन अच्छा होगा वो प्लांट वहाँ पे खेती जो होगी, कल्टीवेशन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, और जिस जगह पर नाइट्रोजन की कमी होगी जमीन में वहाँ पर फसल अच्छी नहीं होगी। तो क्या होगा, प्लेंटी ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर बट प्लांट ओनली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। हमने देखा, सो दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। सो दे नीड अ नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म मींस जो नाइट्रोजन होती है प्लांट को सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट के रूट पे पाए जाते हैं, प्लांट की लीव पे नहीं। और जो ऑर्गेनिज्म है सॉइल से सारी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती हैं और खुद को रीग्रो करती हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म है उसे क्या हम क्या कहेंगे, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोसम, राइजोबम कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। ये जो पार्ट है, ये वाला ऑर्गेनिज्म राइजोबम, ये वो बैक्टीरिया है जो प्लांट के हर प्लांट के रूट्स में पाया जाता है और सॉइल की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। आपने देख लिया यहाँ पर, सर्कुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, जाइलम चाहिए, वाटर और मिनरल को प्लांट के हर बॉडी पार्ट में सर्कुलेट करने के लिए, CO2 लीव के लिए चाहिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल पे डिपेंड, दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। आपने यहाँ दो एग्जांपल भी देख लिए, एक कस्केटा हो गया और अमरबेल जिसे कहते हैं, और इन्हें इंसेक्टिवेरियस प्लांट भी कहा जाता है। और जो प्लांट डिके और डेड पे
मेटेरियल पर डिपेंड करते हैं, उन्हें सेप्टोफोरिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, फंजाई एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इसको बार बार देखें, रिपीट करें, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। पूरे चैप्टर को अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आपको बार बार ये चैनल ये वीडियो ना देखनी पड़े। और इसका पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लें। ओके, और नीचे एक एक्सरसाइज है आपके लिए, सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ लिया था। पैरासाइट और सेप्टोफोरिक सेप्टोट्रॉप में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हमने पढ़ चुके हैं। ये अमरबेल का है कस्केडा, और ये वो है फंजाई वाला एग्जाम्पल है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेसिस इसके अंदर है। इस सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, सॉल्व करने हैं, और वेन एवर द स्कूल इज ओपन आई विल चेक इट, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। इसमें आपको सेकेंड स्लाइड का पूरा वो दिखाएंगे कि CO2 लेता है, O2 रिलीज करता है, क्लोरोफिल लीव्स के अंदर होते हैं, इस पूरे डायग्राम को बताएंगे। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड डैश सिंस दे आर सिंथेसाइज देयर फूड, ये भी हमने ऊपर पढ़ रखा है। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, एक वीडियो में बाद में बना दूंगा इनके सॉल्यूशन के लिए, लेकिन इस वीडियो को बार बार देखें, हर पॉइंट को समझें। ये पॉइंट क्या है, जाइलम क्या है, क्लोरोफिल क्या है, एनिमल अपने प्लांट अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट किस पे डिपेंड करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हो सका तो मैं रिप्लाई करूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू।